आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रैंक फंक्शन। एक्सेल में रैंक फंक्शन का यूज किस प्रकार करते हैं, क्या यूज होता है, ये आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे डाटा, ठीक है। ये डाटा देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें राजेश, मोहन, रानी, ये सब स्टूडेंट्स के नाम है, और उनके द्वारा प्राप्त किया गया परसेंटेज मार्क्स है, ठीक है। और उसी के आधार पर यहाँ उनका रैंकिंग किया गया है कि कौन फर्स्ट पोजीशन पर होगा, कौन सेकंड पोजीशन पर होगा, कौन थर्ड पोजीशन पर होगा, कौन फोर्थ और कौन फिफ्थ होगा। उसी के आधार पर इस उनका रैंकिंग किया गया है। ये कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं रैंक फंक्शन का। इक्वल टू देंगे, लिखेंगे रैंक, RANK। एक्सेल में ये एक फंक्शन का नाम है, रैंक फंक्शन, जिसके थ्रू हम डेटा में से रैंकिंग निकालते हैं कि कौन फर्स्ट पोजीशन पर है, कौन सेकंड, कौन थर्ड, कौन फोर्थ, कौन फिफ्थ, इस प्रकार से रैंकिंग निकालते हैं, ठीक है। इक्वल टू लिखे, रैंक लिखे, और किसी एक को आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मान लीजिए आप, मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा देंगे। अब मुझे क्या करना है, रैंकिंग निकालना है, तो किसी डेटा में से निकालना है, किसी सभी डेटा में से निकालना है, तो किसी सभी डेटा को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है कि मुझे मैं ये सारे जो डेटा मैंने जो सिलेक्ट किया है, इसी सारे डेटा में से ना रैंक निकालना है, तो इस जो सिलेक्टेड डेटा है इसको मुझे करना होगा लॉक। लॉक करने के लिए प्रेस करेंगे F4, ठीक है। अब क्या हो गया कि अभी लॉक हो गया है। अब जो एक्सेल जो रैंक फंक्शन है, वो जब भी रैंकिंग सर्च करेगा तो इन्हीं सभी डेटा में से सर्च करेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस सिलेक्टेड डेटा को मैंने लॉक किया है। अब ब्रैकेट क्लोज, इंटर, इसका रैंक आया 2। अब जैसे मैं सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करता हूँ, बाकी सब अपने आप रैंक निकाल दिया। अगर मैं चाहूँ किसी का रैंक घटाना बढ़ाना, जैसे सिंपल सा यहाँ 45% लिखा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 66। देखिए इसका ऑटोमेटिक रैंक घट गया, ठीक है, यानी बढ़ गया। अगर मैं इसको यहाँ देखें, 90% है, इसका रैंक 1 है, इसको मैं क्या कर देता हूँ, 80% पर कर देता हूँ। देखिए इसका रैंक 2 हो गया, ऊपर वाला जहाँ 86 था ये रैंक 1 पर आ गया, ठीक है।